तो हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सब। तो फिर गाइस, आज आपके पास ये जो प्लान दिख रहा है, आज मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा आप सबको कि एक कॉस्टिक जिप्सम सीलिंग और वॉल का कैसे करते हैं साउंड प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरे चैनल पे बिल्कुल सब्सक्राइबर और वीडियो का व्यूज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं कोशिश करूँगा नया नया और अच्छा टेक्निकल वीडियो लाने का। जैसे कि मैं आज आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि सीलिंग का और वाल का एकोस्टिक वाटर साउंड प्रूफ एकोस्टिक जिप्सम सीलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये एक ऑडिटोरियम है। ठीक है, उसमें एकोस्टिक जिप्सम सीलिंग है हमारा, ये हमारा वाल में भी और ऊपर सीलिंग में भी। जैसे जैसे देख सकते हैं आप, ये सीलिंग का हमारा प्लान है। ठीक है, सीलिंग का हाइट जो है इसमें आप प्रॉपरली देख सकते हैं 1.5 मीटर, और जो लोवेस्ट है वो 2.4 मीटर है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ तो आप सबसे पहले हमारा प्लान देखें, सबसे पहले आप हमारा प्लान देखिए ऑडिटोरियम का। ये हमारा ऑडिटोरियम है। ठीक है, इसमें प्लान देखो तो जो वाल के लिए है वो स्पॉट डिटेल वन, स्पॉट डिटेल टू वाल का, ये आप राउंड देख सकते हैं, वाल के लिए है ये। ठीक है, डिटेल, और जो कॉलम के पास हमारा पैनल आएगा वो हमारा स्पॉट डिटेल वन के अंदर देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वाल के लिए स्पॉट डिटेल टू। तो यहाँ पे देखिए, स्पॉट डिटेल वन, स्पॉट डिटेल टू दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पॉट डिटेल टू में आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, ब्लॉक वाल, जो हम लोग ब्लॉक वाल बनाए हुए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यानी हमारा ये रेड कलर का पूरा ब्लॉक वाल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाइए, देखिए हमारा ब्लॉक वाल है ऑलरेडी, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा जी आई स्टड ट्रैक है। जी आई स्टड ट्रैक क्या होता है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल साइट पर दिखाऊँगा जहाँ पर हमारा वर्क हो रहा है। ये गैल्वेनाइज्ड है, गैल्वेनाइज स्टील का स्टड होता है ट्रैक हमारा रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉक वाल पे सबसे पहले हम लोग जी आई स्टड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रॉक वॉल इंसुलेशन डेंसिटी 30 kg/m³, 50 mm जो थिकनेस है हमारा रॉक वॉल का वो 50 mm है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है, और उसका डेंसिटी 30 kg/m³ है। ठीक है, रॉक वॉल होता है हमारा जनरली इंसुलेशन के लिए, साउंड प्रूफ के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल साइट पे भी दिखाऊंगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इसका पूरा ड्राइंग का एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक वाला हमारा जी आई स्टड रॉक वॉल, फिर 12 mm सॉलिटेक्स कॉर्क शीट होता है, मेन हमारा यही है। ठीक है, 12 mm सॉलिटेक्स कॉर्क शीट, जो हमारा एक एकॉस्टिक पैनल है जो साउंड प्रूफ का काम करता है। ठीक है, मैं अभी इसको दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। इसके बाद 12.5 mm थिक जिप्सम बोर्ड विद वॉलपेपर। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल में जो है हमारा साइट पे ये सब वर्क कर रहे हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, वॉलपेपर वर्क बाद में जब ये एक बार होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी फ़िलहाल में मैं आपको जिप्सम बोर्ड तक का वर्क मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली। ठीक है, ये हमारा वाल का डिटेल था। अभी आज ये स्पोर्ट डिटेल वन में जो कॉलम के अराउंड आएगा उसका क्या डिटेल है देखते हैं। ठीक है, स्पोर्ट डिटेल में हमारा सबसे पहले ब्लॉक वाल। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बताया था, उसके बाद हम लोग लगाएंगे स्टड लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा बीम लेवल, वहाँ बीम जो कॉलम के ऊपर है ये हमारा मेंशन हुआ है, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद रॉक वूल ऑडिटोरियम फॉयल बैग, जब यहाँ पे अभी कॉलम पे रॉक वूल विद फॉयल बैक है। ठीक है, बैक साइड में फॉयल पेपर लगाने का है। ओके, ठीक है, रॉक वूल सेम इंसुलेशन और ब्लॉक 12.5 mm थिक जिप्सम बोर्ड, प्रोसेस सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ है इसमें, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 12.5 mm थिक परफोरेटेड जिप्सम बोर्ड। ठीक है, और स्पोर्ट डिटेल वन में क्या था, 12.5 mm थिक जिप्सम बोर्ड विद वाल पेपर। ठीक है, इसमें जिप्सम बोर्ड भी है जो हमारा ऊपर साइड में एग्जिस्ट करेगा, बट फ्रंट में जो है हमारा 12.5 mm परफोरेटेड जिप्सम बोर्ड है फ्रेंड्स, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी कॉलम का वर्क नहीं चल रहा है, मैं आपको सिर्फ वॉल का डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, जब भी कॉलम का आएगा मैं आपको कॉलम का भी वीडियो दिखाऊंगा बना के। ठीक है,
अभी मैं आपको स्टड के बारे में एक जनरली बता दूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टड का सेक्शंस होता है, स्टेप में, एल शेप में, यू रेक्टेंगुलर में, यू शेप में, ये सारा स्टड का सेक्शंस है, ठीक है। अब आपको मैं इसका 3D व्यू दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे हमारा ऑडिटोरियम है, ठीक है, इसका 3D व्यू अगर आप देखोगे तो ये कैसे दिखेगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा कॉलम है, बीम है, रॉक वूल है, फॉयल बैग के साथ में कॉलम के लिए, जी आई स्टड का डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, थिकनेस ये उसका मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, ठीक है। कोब लाइट, ब्लॉक वॉल, अभी यहाँ से अगर मैं वॉल के लिए बताऊँ तो देखो ब्लॉक वॉल, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग लगा देंगे इसमें रॉक वूल, रॉक वूल के बाद 12.5 mm थिक सॉलिटेक्स सीट लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद में 12.5 mm थिक जिप्सम बोर्ड लगाएंगे। ये वॉल का सेक्शन है, ठीक है, वॉल के लिए। अभी जब कॉलम पे आएगा, कॉलम पे हमारा ज़्यादा वर्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले कॉलम बीम, ठीक है, GIS स्टड लगाएंगे उसके बाद में, ठीक है, रॉक वूल विद एल्युमिनियम फॉयल लगाएंगे कॉलम के पीछे, ठीक है, उसके बाद इसमें कोब लाइट मीन्स जो है हमारा साइड साइड में लाइट है, उसका लाइटिंग है कॉलम के पास में ऑडिटोरियम के लिए, ठीक है। ये कुछ एडिशनल वर्क है कॉलम के लिए, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा जब कि कॉलम का जिप्सम हम लोग परफोरेटेड लगाएंगे। अभी बस आपको मैं वॉल का सेक्शन दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कैसे लगाते हैं। उसमें सबसे पहले GIS स्टड होगा, ठीक है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि रॉक वूल, ठीक है, रॉक वूल स्टड के बाद रॉक वूल, ठीक है, उसके बाद में 12.5 mm थिक जिप्सम बोर्ड लगा होगा, वॉलपेपर बाद में लगेगा, ठीक है। और इसका जो है सीलिंग भी कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एकॉस्टिक सीलिंग भी दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, ओके।